पार्टनर, ये बहुत ही सिद्धांत जो उन्होंने दिया इससे फिक्स है, एक से दो नंबर आपका पियाजे, एक से दो नंबर आपका वाइगोत्स्की, कभी कभी एक नंबर आपका कोहलबर्ग, अक्सर आते हैं, मतलब कोहलबर्ग अक्सर ये आते हैं, लेकिन कभी कभी एक आध साल गैपिंग हो जाती है, जैसे दो शिफ्ट में होता है एग्जाम साल भर में, तो कभी कभी गैपिंग हो जाती है। तीन से चार नंबर मापन मूल्यांकन, क्यों? क्योंकि ये मापन मूल्यांकन कई शिक्षण है आपके, कौन कौन से? एक तो 15 नंबर आपका साइकोलॉजी का है, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, एनवायरमेंट और गणित। मान लीजिए आप सेकंड पेपर दे रहे हैं, तो ये आपका साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, ये टोटल आपके हेड है तो क्या सोशल साइंस का हो गया। तो यहाँ पे आप हर शिक्षण में देखें तो सब में ये आपका कॉमन पॉइंट है कि तीन से चार नंबर जो मापन मूल्यांकन था, इसमें एक से दो नंबर आपका उपचारात्मक शिक्षा फिक्स है, निदान और उपचार से फिक्स है कि एक दो नंबर आएगा। कैसे? डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि निदान क्या है उपचार क्या है, यहाँ आपको एक प्रॉब्लम देगा क्लास की और आपसे पूछेगा कि आप क्या करें, जो आप करेंगे वही क्या होगा, उपचार होगा। फिर वृद्धि विकास से बहुत कम पूछता है, लेकिन एक से दो नंबर किसने की इसकी संभावना रहती है। और यहाँ पे आपका 40-60% जो प्रश्न आते हैं वो किसी कंडीशन पे आते हैं, जो शिक्षण में आते हैं। जैसे ये एक टीचर का नाम दे दिया आपके और बोला ये कंडीशन, ये एनवायरमेंट है, ऑप्शन आपका वहां पे दिया रहे। दूसरी चीज, यहाँ टीचिंग में सारे में मेथड क्या है आपकी, विधियां आपकी क्या है, सब में समान है, लेकिन कुछ विधियां स्पेसिफिक, जैसे जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें कुछ स्पेशल विधियां पढ़ते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, है ना, तो यहाँ पे आपको वो ऐड कर लेना है। मैथ में कुछ स्पेशल विधियां जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जैसे आगमन निगमन, है ना, संश्लेषण विश्लेषण, प्रयोगात्मक, मैथ में भी प्रयोगात्मक, अभी इस बार जो प्रश्न आया था प्रयोगात्मक से ही था, तो प्रयोगशाला उसमें क्या करते हैं, जो आपका ये आपका पेपर कटिंग करते हैं, जैसे सर्कल काटना है या कुछ करना है, शेप बनाना है, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर क्या करते हैं, प्रयोगशाला की तरह कार्य करते हैं, तो वहां पे आपको ये भी चीजें यूज करनी। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है देख लीजिए, जहां से एकदम फिक्स है उसको तो एकदम आप रट ही जाएंगे। एक आपका लैंगिक मुद्दे, हर साल एक प्रश्न आपका क्या यहाँ से आता। इसके अलावा आप जो पढ़ते हैं समाजीकरण, दो से तीन प्रश्न आपके यहाँ से आते। कैसे? वो समाजीकरण बोल के नहीं देगा, वो भी एक एनवायरमेंट देगा, ठीक, उस एनवायरमेंट में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे जो समाजीकरण के नियम है सबसे पहले पढ़ाया जा चुका है, तो वहां पे आपको ये देखना कि उसको कैसे यूज करना है। और यहाँ एक टर्म आपका शिक्षण में आता है, वो आपका पहला भी है, प्रगतिशील शिक्षा। मैं स्ट्रेटेजी इसलिए बता रही हूँ, पढ़ते तो लगातार पढ़ते जाएंगे, खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्या पढ़े कि हम आराम से 90 क्रॉस कर जाए, क्योंकि अगर 82-83 का आप टारगेट रखते हैं तो हो सकता है यूपी में आप सेलेक्ट हो जाए, बाहर नहीं, जिस राज्य ने मान्यता दी होगी आपकी 82 पे हम दे देंगे सिलेक्शन क्वालिफाइड, वहीं आप नौकरी पाएंगे, केवीएस नवोदय और बाकी जगह, क्योंकि ज्यादातर वैकेंसी यहाँ थोड़ी आती केंद्र है सबसे ज्यादा, लेकिन आपसे जैसे हमसे भी ज्यादा एलिजिबल हो सकता है, क्योंकि काफी दिन से वो सफर कर रहे हैं और आप नए नए जा रहे हैं, तो आपका फोकस तो सीटेट है और उनका फोकस केवीएस है, क्योंकि वो सीटेट पास हो चुके हैं, तो आपकी फाइट क्या है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ आपको क्या टारगेट रखना है कि कहीं भी मिले जॉब आपको ऑक्यूपाई करना है, इसलिए 90 नंबर तो आप टारगेट बना लीजिए। ये पूरा 90 नंबर तो आपका मनोविज्ञान और शिक्षण ही दे सकता है अकेले, यहां से जोड़िए कितना होगा, इसको 30 मान लीजिए, मनोविज्ञान शिक्षण, हाँ ना तक नहीं, कभी भी 100% कोई अचीव नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं ना आप ना कोई भी टीचर हो, वहाँ इतने अच्छे मनोवैज्ञानिक जो पेपर बनाते हैं कि क्वेश्चन तो आप सब समझेंगे लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, कंफ्यूजन रहता है।
ये स्ट्रेटजी है सीटेट की कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्वालिफाई कैसे करें। हमें एरिया पता होना चाहिए, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास प्रिंट आउट में आपका सिलेबस, इवन किसी के पास नहीं। सुबह मैंने यही प्रश्न किया था, आज सुबह मैं पहुंच गई जल्दी से, तो यहाँ मैंने यही प्रश्न किया था। क्यों पता है? मोबाइल क्या इतने सारे पीडीएफ आपके दिन ब दिन आते रहते हैं कि उसमें भरा पड़ा है, खुलेगा है नहीं, खुलेगा तो और सब चीज़ें खुलती हैं, तो किताबें तो खुलनी मुश्किल है, जब एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा। इससे अच्छा एक प्रिंट आउट आप ले लीजिए, कहेंगे पेपर वेस्ट करा रही, अब वहाँ जो सिलेबस पढ़ चुके हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए और जिसमें पढ़े हुए में भी डिफिकल्टी है उसमें स्टार लगा दीजिए। कौन सा मैटर आपको मिल नहीं रहा, किसमें आप पिछड़ रहे हैं, उसको डबल स्टार कर दीजिए। जो एकदम आपको जिससे सबसे ज्यादा डर लगे उसको आप डबल स्टार कर दीजिए। कोडिंग करिए उस पर, उस सिलेबस में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे बीएड करें, चाहे एमएड करें, चाहे बीटीसी करें, सिलेबस आपको मिलता है, लेकिन किसी बच्चे को सिलेबस नहीं आता था। और पता है क्वेश्चन उसी में से आता है। अगर यहाँ एक प्रश्न भी आउट ऑफ सिलेबस दे दिया तो वो विवाद में चला जाएगा। और कभी जल्दी सीटेट में आपने नहीं सुना, यूपीटेट में बहुत सुना, लेकिन यहाँ बहुत ही रेयर केस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि जब आउट ऑफ सिलेबस आपके प्रश्न आए तो उसी सिलेबस में से आता है, फिर हम क्यों नहीं कर पाते। दूसरा रीजन यहाँ पर देखिए, जो आप नहीं क्वालिफाई करते, यहाँ जो प्रश्न है वो बोधात्मक और चिंतन स्तर के, ठीक, नहीं डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कितने हैं, क्या नाम है, किसने प्रतिपादित किया, ये विधि किसने दी, ये सिद्धांत किसने दिया, ऐसा नहीं पूछता। देखा होगा ना प्रश्न, पूछता क्या उस सिद्धांत की वो चीजें जो यहाँ नहीं पढ़ाई जाती कोचिंग्स में, क्लासेस में। जैसे आपने सबने थर्ड नाइक पढ़ा हुआ है तो मुख्य गौर नियम रटे हुए हैं, और वो क्या पूछता है, आप कह रहा है कि गणित पढ़ाना है बालक को, बार बार त्रुटि कर रहा है, बार बार त्रुटि कर रहा है, बार बार गलती कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप उसको कक्षा से बाहर कर देंगे, आप उसके अभिभावक से मीटिंग लेंगे, आप प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कराएंगे, आप अभ्यास कराएंगे। ऐसे ऐसे तो ठीक है आपने कह दिया, लेकिन पता है ये थर्ड नाइट का नियम, अभ्यास ही वो त्रुटि कर रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, ऐसा नहीं, आप तो कर ही लेंगे, इतना इजी नहीं पूछता जैसे मैं पूछ रही हूँ, लेकिन वहां क्या कर रहा है, वो कह रहा है त्रुटि, प्रयास और त्रुटि ना, तो वो गणित में त्रुटि कर रहा है अगर बच्चा, तो क्या करेंगे आप, उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। त्रुटि तो सीखने का एक नियम है कि कोई बच्चा या कोई बालक त्रुटि और प्रयास से सीखता। तो यहाँ ये स्ट्रेटेजी अपनानी है कि वो प्रश्न में पहले आप ढूंढिए कि कोई ना कोई सिद्धांत जरूर होगा, बिना किसी सिद्धांत के कोई प्रश्न नहीं बनता, चाहे सामाजिकरण का हो, जैसे ऑप्शन आप देखेंगे कहीं समाज, कहीं मानवता, कहीं शांति, कहीं कुछ आता ना, तो कहीं शांति शिक्षा का सिद्धांत उसमें घुसा दिया, कहीं प्रगतिशील शिक्षा का घुसा दिया, कहीं सामाजिकरण का घुसा दिया, तो ये क्या है, वो एरिया उनका वही सिलेबस, वो मॉडिफाई करते हैं, सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन वो ऑप्शंस में करते हैं। इसलिए अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो आपको ऑप्शन एनालिसिस, हाँ सब जानते हैं लेकिन करते किसको है, ऑप्शन एनालिसिस मतलब पता है, ऑप्शंस का विश्लेषण करना, ठीक है वो तो सब साधे, बताइए मुझे ऑप्शन एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सब जानते हैं। जैसे प्रश्न दिया तो चार ऑप्शन में, तो उसका अर्थ हम जानते हैं तभी ना लगाते हैं। आपने आंसर सही कर दिया लेकिन आपने एनालिसिस किया कि नहीं, ये दूसरी बात है। मतलब प्रत्येक ऑप्शंस को हम पहले चूज करेंगे कौन सा गलत है, नहीं जरूरी, हाँ वही चीज, लेकिन यहाँ देखिए गलत और सही नहीं, यहाँ आप उन चारों ऑप्शन को एक कैटेगरी में रखे हुए, अब उनकी कमियां उस क्वेश्चन से अप्रोप्रिएट जो उनका रिलेशनशिप है आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा, कभी कभी चारों आंसर सही होते हैं, जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन आप क्या करते हैं, चूज करते हैं ना। तो यहाँ क्या करना है, कभी कभी तीन ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है, एक तुरंत छाट देते हैं, क्या करना है, यहाँ जो सबसे सटीक आपका आंसर हो, क्योंकि व्यवहारिक विज्ञान में हर जितने भी मेजरमेंट होते हैं वो 100% नहीं होते। अब ये नहीं है कि वहां दे दिया कि दो और दो है तो नीचे चार होएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब कहेंगे उसमें भी होता है अप्रोप्रिएट 3.9994 फिर 3.0 सॉरी एक यहाँ पे आप क्या कर दें 09, तो यहाँ पे कई चीजें ऑप्शन आपको एनालिसिस करते हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा इसका वही ना आप करेंगे।
तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यूज ली जाती है और सीटेट के हर ऑप्शन में यहाँ सबसे नजदीक के अप्रॉक्स जो आपके आंसर होते हैं उसको आपको चूज करना है। यही स्ट्रेटेजी नेट में भी होती है लेकिन वहां के क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई होते हैं तो उसको हमें नहीं अध्ययन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कभी जैसे हम लोग के लिए सीटेट क्यों जरूरी है पता है, क्योंकि हम लोग नेट के लेवल का साइकोलॉजी पढ़ते हैं, नेट के लेवल का शिक्षण पढ़ते हैं, तो वो क्या ज्यादा हायर अगर पढ़े तो नीचे की चीजें इजी लगती है। लेकिन वही एनालिसिस यहाँ पे जो सिर्फ सीटेट को, अब जैसे कहेंगे यूपीटेट, तो यूपीटेट पास करना डिफिकल्ट, क्यों पता है, उसमें स्मृति चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपके याद नहीं है लेकिन आपको कंडीशंस पता है तो आप आकलन कर ले। और यहाँ आने के बाद आपको यही नहीं पता होगा कि कितना प्रश्न हमने सही किया, कितना प्रश्न कर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन एनालिसिस करना है कि अगर हम कोई ऑप्शन लगा दिए तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कि ऐसे ही नहीं कि हमने लगा दिया, कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप सीटेट के पेपर का एनालिसिस करिए बहुत अच्छे से। वहां पे जैसे आपको पता है कि एनपीसी जो होती है ज्यादातर डाटा आपका कहाँ लाई करता है, मिड में, जहां पे मीन मीडियन मोड लगभग बराबर हो। तो ये आपके प्रश्नों में भी रखा जाता है ऐसे जनरली कि ज्यादातर प्रश्न क्या होते, औसत के होते। तो यहाँ 150 में उनको पता है कि आपका टारगेट अगर 90 है तो वो आपको 85 में हमेशा रोकने का प्रयास करेंगे। आप जितने लोगों का नंबर देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही सिमट जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और कैटेगरी आपने 83 की दे दी है, 82 की दे दी है, तो उसको उनको भी रोकना है। इसलिए आप देखेंगे जब ये प्रश्न बनाते हैं तो आप 75 तो एकदम इजी, मतलब आप कर लेंगे, देखेंगे तो लगेगा। आपकी कठिनता कहाँ से शुरू होती है, सिर्फ 50% हुआ कि नहीं आपका, ये 50% आप कर ही लेंगे किसी भी कीमत पे, लेकिन आपकी फाइट यहाँ से शुरू होती है। आपको यहाँ ये नहीं सोचना, आपको यहाँ ये सोचना है। तो आप 15 नंबर की फाइट करते हैं, उस 15 नंबर के लिए आपको फाइट करनी है। तो मैंने कहते कि आप कर ही नहीं पाएंगे, और 75-70 ऐसे तो जनरल नंबर पा जाते हैं, तुक्का भी मारते हैं तो भी 80 पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको पता है कि आपको रोकना कहाँ है, और जानते हैं जब तुक्का भी मारते तो एक बार पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे तो ऑप्शन में आपको क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप ऑप्शन एनालिसिस करना सीखे। मैंने क्या कहा कि हर ऑप्शन जो प्रश्न है उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत, उस वर्ड को पकड़िए, किसी सिद्धांत से कोरिलेट करिए, फिर देखिए आपका आंसर क्या। जैसे बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऐसा ही पूछ दिया, एक बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कोई संस्थान पूछा गया, एजेंसीज, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी कौन सी होती है बताइए जरा, विद्यालय। और क्योंकि आप तो एज अ टीचर समझते हैं ना, ठीक है, नहीं देखिए मैं इसलिए आपसे ऑप्शन नहीं दी, आप एज अ टीचर वहां समझते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसका परिवार होता है, क्योंकि वो उसी परिवार से आके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके जाता भी है। दूसरा पॉइंट, इसी प्रश्न को घुमा दिया तो एक बालक के कौन से पक्ष पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, तो समाजीकरण के पक्ष से देखेंगे, समाज में ही जाना है तो शिक्षा जो है सामाजिक संस्था, जो शिक्षण संस्थान आपके, तो क्या करना है, तो समाज उसके लिए इम्पोर्टेंट। अलग अलग ऑप्शन पे उसी बालक की इम्पोर्टेंस क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ आपको ये समझना है, और प्रश्नों के हिसाब से जैसे आप रट के चले गए परिवार परिवार परिवार, कंडीशन देखेंगे, व्यवहार परिमार्जन में सबसे बड़ी भूमिका, तो कहेंगे अगर विद्यालय की नहीं होती तो क्यों विद्यालय भेजते आप, समाजीकरण कैसे करेंगे उसका, तो बाल बाल आपको पता है कैसे समाजीकरण करता है, बालकों का समूह बनाता है, खेलता कूदता है, उसीलिए ना उसको विद्यालय में कई लोगों के साथ भेजा जाता है। तो यहाँ एक ही बालक अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्या ऑप्शन आपके प्रिटेंड करेगा कि हमें क्या करना। दूसरी चीज, कोई भी ऑप्शन आप देखेगा उसमें आप सबसे महत्व किसको देंगे, बालक, ठीक, क्यों, हमको तकलीफ हो कोई दिक्कत नहीं, हम डिसअपॉइंट हैं, हमको गाली दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, मतलब टीचर वहां आपको क्या एज अ पेरेंट सोचना है उस बच्चे के प्रति जो उस ऑप्शन में घूम रहा है। तो जब इस प्रकार
कि आप प्रश्नों को इस ढंग से सॉल्व करेंगे तो आप, वास्तविकता यह है कि कभी आपको कोई भी सीटेट क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हर जो राष्ट्र है वो चाहता है कि हमें एक एक राष्ट्र निर्माता शिक्षक मिले, और कैसे मिलेगा जब वो सबके बारे में सोचे। कहेंगे बार बार ये चीजें कर रहा है, बार बार कहेंगे कि अपराधी है, बार बार चोरी कर रहा है, बार बार चोरी कर रहा है, क्या करेंगे? समावेशी का यह प्रश्न, एक अपराधी बालक बार बार चोरी कर रहा है, आप क्या करेंगे? आपको दंड देना है, कैसे देंगे? ये कंडीशन है, एक अपराधी बालक है जिसको आपको दंड देना है, किस प्रकार दंड देंगे? ऑप्शन तो आप इतने मैच्योर है कि मैं ऑप्शन देंगे तो आप समझ जाएंगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है यही तो देखना है। ऑप्शनल पेपर से आपके सामने सब ऑप्शन ही प्रस्तुत कर दिए जाए, जरूरी है? आपके अंदर अगर कैपेसिटी है शिक्षक बनने की तो ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताइए, बार बार अपराधी बालक बार बार एक ही अपराध कर रहा है, रोज चोरी हो रही है, आप जान रहे हैं, तो कैसे दंड देंगे उसको? क्या करेंगे? अभिभावक से मिलेंगे। चलिए ठीक है, अभिभावक से भी मिले, तब मान लीजिए वो मान भी लिया ठीक है नहीं करेगा, फिर भी कर रहा है, समझाएंगे। एक बार कंडीशन पता है, समस्यात्मक और जो अपराधी बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक चीजों को मानता नहीं और अपराधी बालक नियमों को तोड़ता है। यहाँ जो दंड मैंने बोला, मैंने एक वर्ड यूज करें, कैसे दंड देंगे? दंड कैसे देंगे? जैसे नहीं, वही हम जा रहे थे, नैतिक लिखे तो नैतिकता आई, ये दंड है नैतिक। जैसे अगर कोई मॉनिटर है, उसने कोई ऐसा कार्य कर लिया जो अवांछनीय है, तो आप उससे कहें कि आप आज से मॉनिटर नहीं, तो हमने उसको मारा, प्रताड़ित किया, डांटा, उसकी जिम्मेदारी छीन के किसी अन्य बच्चे को दे, क्या उसे दंड नहीं मिलेगा जो उसकी रेपुटेशन है? इसको कहते हैं नैतिक दंड। और भी बहुत सारे कंडीशन, आप पढ़िए बस ये सब चीजें। दंड भी आवश्यक है लेकिन वो नैतिक होना चाहिए, न तो उसको शारीरिक उसकी कोई क्षति हो, न मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, लेकिन एक प्रेशर बने जिससे वो अपराध से दूर हो जाए। तो यहाँ हर कंडीशन को देख के आपको एक बालक को ट्रीट करना है, और ऑप्शन आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस सेट ठीक है, आप इंग्लिश की करिए, हिंदी की करिए, सारी चीजें करिए, लेकिन यहाँ पेपर जो बनाया सीटेट का वैसा वो लोग आके सेट नहीं बनाते, तो इसलिए जो आपके व्यवहारिक प्रश्न हैं शिक्षण से, तो आप प्रीवियस बस पेपर सॉल्व करिए, और हर पॉइंट में ऑप्शन जो नहीं समझ में आ रहा है उसको गोला कर लीजिए, ये ऑप्शन है क्या? अब जैसे कह दिया कि प्रश्न नंबर एक ऑप्शन सी, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न एक देखा नहीं समझ में आ रहा, या ये हो सकता है ऑप्शन आपका दिया सी, हमने टिक कर लिया, बस हमें इस प्रश्न और इस आंसर यही दिखता है, ऐसा होता है? नहीं नहीं, आप देखिए आपको यही दिखता है, पहले तो एनालिसिस करिए कि ये क्यों है और बाकी क्यों नहीं। दूसरे एनालिसिस, जो वर्ड कहीं यूज किए गए होंगे आपके, वो कहीं ना कहीं बालक से, समाज से, शिक्षा से, शिक्षा से जुड़े हो, तो अगर आपको नहीं आता तो आपकी नहीं जिम्मेदारी कि हम जाने, सिलेबस में इतने पॉइंट है जो आपने सुने नहीं होंगे, लेकिन कितने लोगों ने सर्च किया? यहाँ कोई आपको पास नहीं करा सकता, आप खुद पास हो सकते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन दी जाती है, आपको बस मार्गदर्शन दिया जाता है, आप नहीं पढ़ेंगे तो लाख कोई यहाँ पे आपको बहुत कुछ कर दे, बहुत कुछ कर दे, तो नहीं कर सकता। इसलिए आज से ऐसी तैयारी करिए, पता है बहुत जरूरी है, ठीक है आप क्वालिफाई करते हैं, नहीं भी करते हैं मेरे लिए आप स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ आप सीख लिए तो कहीं भी विद्यालय में जाएंगे तो उस चीज़ को यूज करें। तो ठीक है, सीटेट का ठप्पा लगना अलग बात है, एक अच्छा शिक्षक बनना जरूरी नहीं कि आपके ऊपर सीटेट का ठप्पा ही लगे, तो कम से कम वहां तो आप यूज करेंगे। घर में कोई कुछ करता है, ताड़ से मार दे बच्चा, एज ए शिक्षक सोचिए आप कहीं, कोई बच्चा अगर बार बार चीजों को, कोई खिलौना पा रहा है तोड़ दे रहा है, कोई खिलौना पा रहा है तोड़ दे रहा है, तो आप कहेंगे इसको खिलौना ही नहीं देंगे, जबकि आपको क्या करना है, उसको और खिलौने दें। क्यों? वो उसके अंदर सृजनात्मक प्रवृत्ति है, उसके पार्ट्स की क्या कर रहा है, अभी से एनालिसिस कर रहा है, हंस रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? तोड़ेगा तो क्या कर क्या कर रहा है? अक्सर वो ऊपर का पल जा, नीचे का पल जा, ये तो बात सही है। लेकिन अगर आपकी क्षमता है तभी ना आप उसको खिलौना लाए, तो अगली बार से कहेंगे अगर नहीं लाएंगे इस वजह से कि तोड़ रहा है तो ये तो गलत है, आपके पास पैसा नहीं है तो मत दे। लेकिन अगर आप लाना है लेकिन वो तोड़ रहा है इस वजह से नहीं ला रहे तो आप गलत कर, ठीक है? तो यहाँ पे वो क्रिएटिव वो थिंकिंग रखते हैं बच्चे, और आपको उसको प्रोत्साहन देना है ऐसे कक्षा में भी कि बेंच तोड़ रहे हैं तो कहेंगे बेंच कितना लाएंगे, तो क्या करेंगे उसको, बालक बाहर, तुम इस स्कूल से बाहर। नहीं नहीं, इसकी नजर से नहीं, अपने नजर से सोचिए, ऐसे ना तोड़ रहा है, अब अपने बच्चे को तो नहीं है, नहीं लाएंगे, तोड़ रहा है ऐसा सोचेंगे ना। लेकिन स्टूडेंट की बात करें तो उसको तो आप ऐसा समझते हैं कि वो दूसरे का, ऐसा ही समझते हैं। अगर ये समझ ही ले कि मेरा है तो कभी ये प्रॉब्लम आपको पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। यहाँ क्या है, बार बार तोड़ रहा है, बार बार वही तो कह रहे चोरी कर रहा है, ऐसे लग रहा है बड़ा अच्छा से नैतिक दंड देंगे, वहां तो क्या दो झापड़ खींच के मार देंगे, निकल जाओ क्लास, मत दिखाना एक हफ्ता, और एक हफ्ते में जो उसका लॉस होगा वो कौन फुलफिल करेगा? अगर आपके कक्षा का कोई बच्चा इस प्रकार का है तो जिम्मेदार आप, क्या आपने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसके प्रति ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की जिससे उसकी चीजें जो है दूर, ये डिफिकल्ट है। इसीलिए तो शिक्षक सबसे सर्वोपरि है कि वो अपने के अपने बच्चों को थोड़ी पढ़ाता है, वो दूसरे के बच्चों को सिखाता है। वही कैपेसिटी हर एग्जामिनेशन जो टीचर से रिलेटेड है वो देखना चाहते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से एनालिसिस करके ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, और प्रीवियस पेपर सारे आप सॉल्व करिए, जो दिक्कतें आती है गोला मारिए, कॉपी गंदी करिए, क्यों कि ताकि उसको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, तो बचा के रखेंगे साफ सुथरा, शायद हो सकता है नौबत आ जाए दोबारा पढ़ने, तो ऐसा करिए उसको दोबारा पढ़ना ही। तो नहीं ज्यादा आप नहीं गंदगी करते मेरी तरह, तो आप पेंसिल लेके यूज करिए, बाद में मिटा दीजिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या, चीजों को इस्तेमाल करना यूज करना सीखिए, और प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे ही आप जरूर दीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन सा डिफिकल्ट टास्क। एक चीज और, क्यों हम सीटेट में फेल होते हैं या किसी एग्जाम में, जैसे पता है एक चीज, 150 नंबर का पेपर है तो हमारा टारगेट कितना होता है पता है, 150 होता है कि नहीं होता है ना, सब पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ाया गया, ये भी पढ़ाया जाना चाहिए, होता है कि नहीं, क्या ये सही है? आपको पता है जब आईएएस का एग्जाम होता है तो 53-55 यही परसेंटेज आता है रिजल्ट में जो टॉपर्स, अर्थात वो भी पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते। पीसीएस का रिजल्ट देखा है क्या, 100% कोई अचीव कर लेता है? क्या करते हैं पता है, यहाँ जो आपके डिफिकल्ट लास्ट मोमेंट में जो आपके ऐसे पार्ट जो आपने छुए नहीं, आप हमेशा उसी पे क्या करते ध्यान देते, जैसे संस्कृत में जो आपके लट लकार ये सब होते ना तो वो जल्दी याद नहीं होते, अब पूरा फोकस संस्कृत में उसी पे कर देते हैं, और उसके चक्कर में इजी वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। दूसरी चीज, हिंदी आपको आती है तो हिंदी तो छूना नहीं है, और जबकि हिंदी में आप पढ़ेंगे तो 30 में 28 आराम से, अगर जितनी मेहनत आप अन्य सब्जेक्ट में करते हैं 30 में 28 आराम से देगा, अगर आप 15 नंबर की कैपेसिटी मैथ में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 पहुंचेंगे, समझ गए, ये फिक्स है। तो थोड़ा समय आप इसको भी दीजिए, यानी कि आप हर एक ही सब्जेक्ट में जो आपको डराता है, ये मैथ तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, क्यों पता है, इसमें जो है वही, अब विज्ञान इससे थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि अभी है, कल को कोई प्रूव कर दिया तो वो बदल गया। तो बहुत सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, हर पोर्शन को आप सजगता से देखिए और इम्पोर्टेंस दीजिए। एक टॉपिक भी पढ़ लेते हैं।